हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जगह तो अच्छी है लेकिन यहाँ हम जाएंगे कैसे। यहाँ पहुँचने के लिए जो जीरकपुर और कालका हाईवे है जो शिमला की तरफ जाता है, जैसे ही आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे उससे आगे जाके जो फर्स्ट रेड लाइट आएगी वहाँ से आप लेंगे राइट टर्न जहाँ जल्हा विलेज है, और वही रास्ता मोरनी हिल्स के लिए भी जाता है। उस रास्ते पर मोरनी की तरफ आपको टर्न नहीं करना है, आगे जाकर जल्हा विलेज क्रॉस करने के बाद एक रोड लेफ्ट टर्न करेगी, वहां से पुल क्रॉस करने के बाद एक बार फिर से आप लेफ्ट टर्न लेंगे और उस रोड पर सीधे चलते रहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मल्ला। रास्ते में आप रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारे। ये व्यू पॉइंट की तरह है, यहाँ से ये घाटी नीचे बहुत खूबसूरत नज़र आती है। सामने जल्ला विलेज है जिसे आप क्रॉस करके यहाँ तक आए होंगे, तो एक तरह से ये यू की फॉर्मेशन बिल्ड करता है। गाड़ी यहाँ पार्क की और पार्क करने के बाद हम चाय पीने के लिए गांव में पहुँचे। एक्स्ट्रा फ्रेंडली लोग हैं, अच्छे से वेलकम करेंगे, आपसे बात करेंगे। किसी भी टिपिकल हिली विलेज का फील आपको यहाँ आएगा, जिसे मैं कहता हूँ लेक ऑफ मल्ला। वो इसी मल्ला विलेज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस गांव में आप जाइए, चाय कॉफ़ी पीजिए जैसे हमने पी, और उसके बाद राइट साइड पर एक रोड निकलती है सीमेंट फैक्ट्री की तरफ। आप चाहें तो लोकल लोगों से पूछ सकते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री का रास्ता कौन सा है। फैक्ट्री जब आप पहुंच जाएंगे तो बाहर कार पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह अवेलेबल है, वहां गाड़ी पार्क कर दीजिए और बैरियर क्रॉस करके आप एंटर करेंगे। सबसे पहले आएगा सीमेंट फैक्ट्री और वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है ये लेक। एक रास्ता है सीधा चलता है, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो लेक तक आप बाइक से जा सकते हैं। गाड़ी है तो फैक्ट्री के परमाइसेज में गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए गाड़ी आप बाहर ही छोड़ दीजिएगा और वॉक कर कर लेक तक जाइए। फाइनली पहुंच गए लेक पे। ये वो जगह और ये वो पुल जिसकी वजह से लेक बनी है। वेलकम टू द लेक ऑफ मल्ला। इसके आगे का नज़ारा तो आप देख ही चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, पर यह जगह वाकई ब्रेथ टेकिंग है, खूबसूरत है। आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ जाकर। यहाँ आइए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सेफ जगह है। पिकनिक मनाइए दिन भर और शाम को सूरज ढलते हुए देखकर वापस जा सकते हैं। टोटल टाइम टू रीच एट दिस प्लेस इज ओनली 25-30 मिनट्स फ्रॉम चंडीगढ़। एंजॉय करिए मेरे साथ इस खूबसूरत जगह को।
आग कपड़े बचा के फटेंगे बुरी तरह से, क्योंकि एक नई जगह देखना है। इट विल बी गुड। हम पहले गए हुए हैं यहाँ पे, आ जाओ, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग। अगर आप भी मेरी तरह एडवेंचरस हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद करते हैं तो इसी डैम की अगली तरफ से अगर आप क्लाइंब करेंगे तो इन झाड़ियों को क्रॉस करते हुए पहुँचेंगे एक दूसरी साइड पर लेक के। देखिए ये एक दूसरा व्यू है लेक का और डिफरेंट एंगल से है। इस लेक के बारे में बताऊं तो ये करीब करीब 1 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी लेक है। आज हम दूसरे किनारे की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि एक किनारे पे नदी के में पानी के पास बैठ करके वहाँ थोड़ा और एंजॉय करें, थोड़ा और फोटोग्राफी करें। ये नज़ारा किस तरह का दिखता है, उस तरफ से आप एंटर किए थे, डैम आपने क्रॉस किया, अब आप लेक की दूसरी तरफ हैं। ब्यूटीफुल। मैं आता हूँ, रुको, आई विल शो। लीजिए मेरे साथी भी पहुंच चुके हैं और अब हम क्लाइंब करके उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बारिश में मिट्टी कटती रहती है और 2 दिन पहले बारिश होकर हटी है तो इसलिए इस पर चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। रिकॉर्ड दिस, मैडी बेइज्जती वाली बात है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, डू समथिंग रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल। चल आ जाना, मैं बोल रहा हूं, स्टैंड अप, स्टैंड अप। गिरा करते हैं शहसवार मैदाने जंग, टेंशन नहीं लिया करते हैं। हटो हटो, मैं तुझे कह रहा हूँ खड़ा हो जाओ। ये दोस्ती ये नहीं तोड़ेंगे। अरे थोड़ा बहुत तो अच्छा है, फील रहेगा, 2-4 दिन आए थे कहीं पे। ध्यान से देखिए इस लड़की को, इतनी हिम्मत नहीं हारी इसने, देखिए बार बार उठती है संभलती है, गिरती है उठती है संभलती है गिरती है। जिंदगी की दास्तान आज ये लाइव दिखा रही है। कर दिया मैंने। इन लोगों ने जब गिव अप कर दिया तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो मंजिल तक जाकर जरूर आऊंगा, और मैंने उतरना शुरू किया और कुछ ही सेकंड्स में मैं पहुंच गया एकदम किनारे पर लेक के। अमित नहीं दिख रहे हो, और ये देखिए ये जंप किया और पहुंच गया इस किनारे पर। खूबसूरत किनारा है और नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। आप एकदम पानी के नज़दीक हैं यहाँ, पानी की वजह से ज़मीन बहुत जल्दी भर जाती है किनारे पर। देखिए साफ पानी, खूबसूरत। पहुँचते हैं उस डैम के ऊपर और डैम के आसपास जो लेक है उसका नज़ारा कुछ इस तरह से होगा जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताकर हटाऊँ। ये लेक करीब करीब 1 किलोमीटर लंबी है और सिर्फ 100 या 150 मीटर चौड़ी है एवरेज। कुछ जगह पर बहुत नज़दीक दिखेगा जैसे कि वो करीब 30 मीटर, और यहाँ जब आएंगे तो बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। मेरा टारगेट था उस आइलैंड उस जगह पर जाने का, पर मैं वहाँ बहुत नज़दीक हूँ उसके। सो ब्यूटीफुल सी लेक है, चंडीगढ़ से सिर्फ 15 या 20 मिनट की राइड पर आप आ जाइए। और यहाँ पहुँचने का रास्ता मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो आपको मोरनी की तरफ जाती हुई या जल्ला विलेज की तरफ जाती हुई दिखेगी
रोड लाइट आएंगी, वहाँ से राइट टर्न करेंगे और कुछ दूर चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे एक रिवर के पुल पर। उस पुल को क्रॉस करके आपको लेफ्ट हैंड टर्न लेना है और सीधे चलते रहना मल्लाह विलेज तक। मल्लाह पहुँच करके आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि रास्ता कौन सा है, सीमेंट फैक्ट्री तक जाने का या लेक तक जाने का। इनफैक्ट विलेज को क्रॉस करते ही राइट साइड पे एक ही रोड है जो ऊपर जाती है, मेटल रोड है। आप उसको चला करके गाड़ी पहुंच जाएंगे इस गेट तक जो सीमेंट फैक्ट्री का गेट है, और बस वॉकिंग डिस्टेंस सीधा रास्ता आपको लेकर आएगा इस जगह पे जिसे कहते हैं लेक ऑफ मल्लाह, क्योंकि ये मल्लाह विलेज पर है। तो शानदार एक्सपीरियंस है, आप उम्मीद है आपको जगह अच्छी लगी होगी। अगले डेस्टिनेशन के लिए मैं बहुत जल्दी आपको लेके चलूँगा, एक खूबसूरत जगह है जिसे कहा जाता है कोटी वाटरफॉल, जिसकी इमेज या फोटो आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में भी। चलिए शुरू होता है यहाँ से वापसी का सफ़र। अब मैं वापस क्लाइम करूँगा इस जगह पर। देखिए इस तरह पानी काट करके अपने लिए रास्ता बनाता है और इसके अंदर से आप चल के ऊपर पहुँच भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश होकर हटी है कल रात तो ये स्लिपरी है और मिट्टी एकदम सॉफ्ट है, आपका वजन नहीं ले पा रही, तो इसलिए जो रास्ता ट्राइड एंड टेस्टेड है उसी को यूज़ करते हुए मैं वापस बढ़ूँगा। तो लीजिए पहुँचा यहाँ और इन झाड़ियों से थोड़ा बच के चलिएगा। और ये है मंजिल की तरफ। तो इस तरह की झाड़ियों से बचना है आपको। वापसी का वक्त हो चुका है, हम निकल रहे हैं घर जाने के लिए। ब्यूटीफुल जगह, आना जरूर बनता है। मैंने लेक को एक बार अलविदा कहा और निकल चला वापस अपनी घर की तरफ। शाम का वक्त हो चुका है, सूरज ढलने लगा है। उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे शेयर ज़रूर करिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप इस लोकेशन पर पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं। एक और जगह के साथ बहुत जल्दी आपका दोस्त कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया फिर से हाजिर होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।